What's up guys? कैसे सभी लोग? Welcome back to another episode of Pal World. आप सभी लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर देखा कि हमने बहुत सारे पोकेमॉन्स बॉसेस से फाइट करी थी और उनमें से कुछ बॉसेस को हमने मार तो दिया बट उनको कैप्चर नहीं कर पाए बिकॉज यार हमारे बेकार से पोकेमॉन उनको कैप्चर करने जाता हूँ और तभी वो मार देते है. तो आज के एपिसोड के अंदर हम कुछ नए से बॉसेस पकड़ने वाले. आज हम बनाने वाले एक ब्रीडिंग फार्म और ब्रीडिंग फार्म के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए. बेस को भी एक्सपांड करना है, एक्सप्लोर भी हमें करना है बिकॉज माइनिंग के लिए पैल्स तो फाइंड करने ही पड़ेंगे. उसके लिए हमें एक्सप्लोर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. तो या बिना किसी देरी करते हुए अपने गेम प्ले के अंदर चलते हैं. सो वेलकम बैक टू पोकेमॉन वर्ल्ड. आप पिछले एपिसोड के अंदर हमने आप सब लोगों को अपना घर दिखाया था, अपना छोटा सा बाड़ा दिखाया था और हाँ उसके साथ साथ हमने लास्ट टाइम ये कंडेंसर भी बनाया था जिससे हम अपने पैल्स को कंबाइन करके एक तगड़ा सा पोकेमॉन बना सकते हैं. लास्ट टाइम हमने यहाँ पर बहुत सारे पोकेमॉन्स पकड़े थे. मैं आप सब लोगों को दिखाना चाहता हूँ. ये देखो ये वाला हमने लास्ट टाइम पकड़ा था और ये एक्चुअली डॉग है, मतलब कुत्ता है बट ये इलेक्ट्रिक वाला कुत्ता है और इसका डैमेज शायद से ज्यादा होगा बिकॉज ये एक्चुअल में 35 लेवल का है और अभी हमारी करंट लेवल जो है 20 चल रही है. मतलब ये 20 लेवल के हिसाब से चलेगा बट 30 में ये फाड़ देगा भाई. बट ये बहुत सही है. और उसके साथ साथ हमारे पास ये वाला चिंपैंजी भी आ चुका है. एक्चुअल में दिखता गोरिल्ला जैसा है बट ये असल में एक बंदर ही है. तो आज के एपिसोड के अंदर हमें ऐसे ही तगड़े तगड़े पोकेमॉन्स पकड़ने हैं स्पेशली फॉर माइनिंग बिकॉज आप सब लोग पता है ओर्स के लिए भाई कहाँ कहाँ नहीं घूमना पड़ता. सबसे पहले आज हम जाने वाले एक्सप्लोरेशन के लिए और एक्सप्लोरेशन के लिए मैं अपनी पैल्स को फिर से रीएडजस्ट करने वाला हूँ. मार इसको. अबे नहीं उसको नहीं, पगलेट आदमी इसको मार, मार उसको. ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये क्या अरे नहीं पंगा ले लिया ना तूने. अरे बाप रे, इससे तो पंगा ही नहीं लेना है भाई. मैं जा रहा हूँ यहाँ से, सॉरी. भागे बड़ो भाई, प्लीज मैं नहीं हूँ, प्लीज मेरे पैल के पास मत आना. ओ भाई वहां से गुस्सा कर रहा है यार ये. ओके चलो चलो, कोई ना वो शांत हो गया. लिटरली भाई ये पंगा लेता है ना, ये गलत बात है भाई, पंगा ले लेते ये. अच्छा मेरी ओ भाई ये क्या चीज है, मेरी पूरी इन्वेंटरी फुल हो चुकी है और मुझे एक्चुअल में पता ही नहीं है मेरी इन्वेंटरी फुल है. चलो एक काम करते, पहले अपनी इन्वेंटरी को खाली करके आता हूं मैं 2 मिनट में. तो फाइनली मैंने अपनी इन्वेंटरी खाली कर दी है और आप सब लोग देख सकते यार इसकी साइज भी बहुत बड़ी है. तो देखो मेरे पास अभी जो है बहुत सारे, एक ह्यूज एग भी है और बहुत सारे कॉमन एग्स, लार्ज एग्स भी है और देखो मेरे पास दो जो एक ह्यूज एग्स है इसको भी हैच करके देख दे. हम सारे एग्स को हैच करने वाले हैं. जैसे कि आपसे लोग पता है हम डायरेक्टली एग्स को हैच कर सकते हैं तो हमारे पास इजी पीजी सारी चीजें आ जाएगी. वो एक नया पोकेमॉन हमारे पास, पहले सारे एग्स जो है हम हैच करने वाले, उसके बाद ही सारे पोकेमॉन्स को एक बार चेक करेंगे. ओके ये हमारे पास अवेलेबल है. बाकी और एक चीज देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास और एक इलेक्ट्रिक एग है, क्या इससे एक नया सा पोकेमॉन निकलेगा? नहीं. तो हमारे पास ये भी अवेलेबल है और उसके साथ साथ ये भी हमारे पास एक एग, ये कॉमन एग है ये. ओके एथराइड डियर हमें मिला इससे. ओके तो यहां पर मैं ह्यूज एक लास्ट में ये रखने वाला हूं तो इसको फटाफट से इंक्यूबेट करते हैं. ये भी हमारे पास अवेलेबल है, नाइस. ठीक है लार्ज एग बचा हमारे पास, उसके बाद हम ह्यूज एग को जो है दिखाएंगे. ठीक है तो ये हमारा लार्ज एग है, इससे हमें इसका वाला पानी वाला है मेरे पास और ये हमें अलग सा मिला है. ठीक है तो यहाँ पर लार्ज एग ह्यूज एग हम जो यहाँ पर लगाने वाले हैं उससे. एक सेकेंड, ये मत कहना कि वो वाला ड्रैगन हमें मिल चुका है. ठीक है उसके पहले हम देखेंगे. और हमें ये भी ह्यूज एग है, इससे भी तगड़ा वाला मिला है. ठीक है बहुत सारे नए नए पोकेमॉन्स हमें मिले और ये फ्रैक्चर यार इसका भी देखना है मुझे, मैंने इसको देखा नहीं भाई. तो पहले हम अपने पैल्स को देख लेते. तो यहाँ पर हमारे पास पहला पैल आ चुका है जो कि ये रॉक वाला है. ये पैल हमने पिछले एपिसोड के अंदर सिर्फ उड़ते हुए देखा था बट हमारे पास ये अभी आ चुका है सिर्फ और सिर्फ एक की वजह से. ये काइंडलिंग लेवल 3 का है और ये जलाने के काम आता है. ठीक है और एक सेकेंड, यहाँ पर हमारे पास और एक पैल आ चुका है जो कि हैंडवर्क लेवल 3 का है, लंबरिंग लेवल 2 का है और एक्सपोर्टिंग लेवल 2 और इसके अंदर भाई वर्किंग स्पीड 50% है और ये लिटरली ह्यूमन जैसे दिख रहा है, बस ऊपर में फॉक्स का फेस है शायद से. बट ये पैल भी हमारे बहुत काम आने वाला है. ठीक है बाकी हमारे पास ये वाला पैल है जो कि बहुत ही ज्यादा
खतरनाक दिखता है लिटरली भाई। सी आप सभी लोग देख सकते हो भाई क्या ही खतरनाक पहल है ये, व्हाट द हेक भाई। ठीक है ये वाला सबसे बेस्ट पहल हमें मिला है अभी तक। आज हम जाएंगे सीधे बिकॉज हमें एक रॉक पेट को फाइंड करना पड़ेगा जो हमारे लिए स्पेशल माइनिंग करेगा। तो पिछले एपिसोड के अंदर हम सभी लोगों ने देखा कि यहाँ पर भाई बहुत तगड़े तगड़े पैल से जो कि रॉबिन को जैसे है और ये जो है भाई बहुत बुरा मारते लिटरली बहुत बुरा, आते ही स्पॉन करना शुरू कर देते ये लोग। भागो भाई यहाँ से स्पीड से तेजी नाल। तो यहाँ पर मुझे बहुत कोपचे में एक अंडा दिखा है और ये शायद से लार्ज है। यस लार्ज है ये, तो मे भी शायद से इसके अंदर से भी हमें कुछ नए से पोकेमॉन दे सकते हैं। बट ज्यादातर ह्यूज पोकेमॉन मतलब ह्यूज एग में से ही कुछ पोकेमॉन्स निकलते हैं, बाकी जगह तो भाई कुछ मिलता भी नहीं। यहाँ पर भी एक पोकेमॉन पकड़ में शायद से इन लोगों के। देखते हैं पहले पोकेमॉन कौन सा है। वो एक मछली है और ये मछली माइनिंग करती भाई। चलो इनको एक काम करते हैं, रॉबिन कुई से लड़ा दे भाई। कहा गया मेरा रॉबिन कुई, आ जा मेरे बेटे, मार इनको तगड़ी तरीके से मार, जा कर मैदान फतेह। अरे भाई इलेक्ट्रिसिटी दे दी भाई इन लोगों ने। रॉबिन मार, रॉबिन क्या कर रहा है, मार इसको, पकड़ लू क्या। हो भाई इसको पकड़ भी सकते हैं, चलो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे मार दिया भाई इसने, अरे नहीं नहीं उसको पकड़ना था मुझे, चलो कोई ना। अभी यहाँ पर हमारा रॉबिन जो है बहुत तगड़ी तरीके से मार रहा है उनको, तब तक हम इसको भाई इस बेचारे को छोड़ा देते हैं बिकॉज ये बुरी तरीके से मार खा रहा है ऐसे ही फ्री में। रॉबिन भाई, अरे रॉबिन को करंट दे दिया। अरे मुझे नहीं भाई, तुम मुझे मत मार। अरे रॉबिन क्यों हक जाता है बीच बीच में, उसको मारना। ये देखो रॉबिन देखो अपना स्टाइल में मारेगा, देखो भाई क्या डैमेज देता है भाई ये। चलो अभी निकलते हैं यहाँ से बिकॉज हमें ज्यादातर इनसे लड़ना नहीं है, हमें थोड़ा बहुत जो एक्सप्लोर करना है। हमें जो यहाँ पर एक पैल मिला है ना वो माइनिंग वाला पैल है गाइस, लिटरली हम कुछ नए से जगह पे आ चुके हैं। एक सेकेंड वहां पर कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, तो वहां से वो ब्लू कलर का पॉइंट भी ले लेते हैं, काम आएगा भाई। ओ यहाँ पर फ्री चेस भी यार, तो मैं पंगा मत ले रॉबिन को ही। यहाँ पर हमें एक ह्यूज एग मिला है जो कि वाटर पोकेमोन का है शायद से। अरे यार इसका भाई क्या ही यार, इसका स्टैमिना बहुत कम है यार, लिटरली बहुत कम है। चलो इसको फिर से ऊपर चढ़ते हैं और ये ह्यूज कैप्चर कर लेते हैं भाई। ह्यूज एग हमें मिल चुका है फाइनली, और ह्यूज एग का मतलब भाई हमें इसमें से कोई तगड़ा पोकेमोन मिलेगा। और यहाँ पर भी अंडा है, अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा है बस। ओ ये भी ह्यूज एग, और एक ह्यूज एग मिला है। लक को भाई कुछ तो अच्छा चल रहा है लक आज मेरा। यहाँ पर एक बॉस है जो कि 31 लेवल का है और इससे हम फाइट नहीं कर सकते अभी बिकॉज बहुत बुरा मारेगा ये। जब तक हमें स्ट्रेटेजी अच्छे तरीके से नहीं पता चलती ना, हम किसी को भी नहीं मार सकते। मैं बहुत ऊपर में जा रहा हूँ यार, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है वहाँ। यहाँ पर तो लिटरली बहुत सारे एग मिल रहे हैं यार मुझे, ऐसे नहीं कि यहाँ पर बहुत कम एग है। ये देखो फिर से और एग मिला है मुझे जो कि फ्रोजन एग मिलता है। ये क्या चीज है अभी, ये क्या चीज है, ये कौन सा पत्थर है यहाँ पर। सेकेंड इससे क्या मिलता है, प्योर क्वार्ट्ज मिलते हैं इससे, नया सा क्रिस्टल है भाई। ये कुछ नई सी जगह है भाई, यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिल रही है। ओके चलो ये भी अनलॉक कर लिया मैंने। और यहाँ पर कैट से 30 लेवल के कैट से ये, और फिर से मुझे यहाँ पर एक बड़ा सा ह्यूज एग मिला है। इस जगह पे हमें क्रिस्टल मिल सकते हैं बट वो ठंडी बर्फ की तरफ जा रहे हैं हम, और ये 39 लेवल के गाइस लिटरली। तो ये उठने से पहले हमें शायद से यहाँ से निकल जाना चाहिए बिकॉज अगर इन लोगों ने मुझे देख लिया ना। ओ अभी यहाँ पर 41 लेवल के गार्ड थे, सिर्फ गार्ड 41 लेवल के है। और ये तो 37 लेवल का पक्षी है भाई, दूर रहते हैं इसे, पता नहीं भाई कच्चा चब आ जाएगा ये। और एक सेकंड में जहाँ किधर रहा हूँ, तो कुछ अलग सा आइलैंड के अंदर हम आ चुके हैं गाइस। और यहाँ पर पैल जो है बहुत छोटे छोटे पैल्स है, यहाँ पर कुछ भी ज्यादा बड़े वाले पैल्स नहीं है, दिखाई तो नहीं दे रहे। बट अभी देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा घूमेंगे, शायद से स्टार्टअप के लिए प्लान हो सकता है। बट ये जगह तो देखो गाइस, ये भी बहुत खुली जगह है और यहाँ पर भी हम अपना बेस बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ पर बेस नहीं बना सकते, यहाँ पर लिटरली बहुत प्लेन जगह है यार। सीरियसली ये पूरी बायोम प्लेन है। घूमते घूमते मैं कौन से आइलैंड पे आ चुका हूँ मुझे भी एक्चुअली नहीं पता है। बट यहाँ पर देख सकते हो गाइस, यहाँ पर शायद से मैं कौन सी जगह आ गया हूँ। तो यहाँ पर कुछ अलग सी जगह है, ये भी नई सी जगह है बट सेम जैसे दिख रहे पिछले आइलैंड जैसे ही। तो एक काम करते हैं सीधे सीधे घर की तरफ चलते हैं, और एक बार हमारे पास जितने भी एग्स आ चुके हैं ना, ह्यूज एग बोल सकते हो, सारे एग्स हमारे पास आ चुके हैं। और भाई ये लिटरली बहुत ज्यादा अमेजिंग दिखता है। ठीक है इसका लेवल कितना हुआ, 6 लेवल भी हो गया इसका, ठीक है बहुत बढ़िया। ठीक है हमारे पास जितने भी एग्स आ चुके हैं और हमारे पास थोड़ी से आयरन भी आ चुके हैं, तो इनको भी संभाल के रख देते बिकॉज ये हमारे काम आने वाले। लिटरली देख सकते हो गाइस हमारे पास इतने सारे एग्स आ चुके हैं। पहले नॉर्मल एग्स को मैं यहाँ पर हैच करने वाला, उसके बाद देखेंगे क्या मिलता है। तो देखो यहाँ पर हमें माओ क्रिस बॉस बॉर्न मिला है, मतलब वही जो माओ हमें वहां पर दिखी थी ना, वही माओ मुझे यहाँ पर मिल चुकी है। इसको भी हैच करते, फिर से माओ मिली। ठीक है
और ये ह्यूज है, ये भी ह्यूज है, ये भी नॉर्मल है, इसको भी निकाल लेते हैं, निचोड़ लेते भाई पूरा। कौन सा फैन मिला मुझे? रैंडरेक्स, ये भी ह्यूज है, ये नॉर्मल वाला है, नॉर्मल वाली पहले निकाल लेते हैं। ओके ये भी मेरे पास अवेलेबल है। और ये क्या है? वो मुझे हनी मिला है यहाँ पर, ठीक है इसको भी निचोड़ लेते हैं। देखते यहाँ पर इससे क्या मिलता है, पेंगुलेट, ठीक है ये लार्ज है हमारे पास, ये भी लार्ज है, ये भी ह्यूज है, ये भी लार्ज है, ये भी नॉर्मल है, इसको निकाल लेते हैं। बढ़िया मिला है, बढ़िया, ठीक है अभी हम लार्ज एक करते हैं, लार्ज एक, यस लार्ज एक करते पहले। तो ये हमारा लार्ज एक होने वाला है। क्या नए नए से पोकेमोन मिल रहे हैं आज, ठीक है ये भी लार्ज एक है, इसके अंदर भी तगड़ा सा मिलेगा। सीरियसली वो पंख वाला मिला मुझे आज। मैं जिस पोकेमोन को देख रहा हूँ ना, जिस भी पैल को देख रहा हूँ, वो हमें एक से ही मिले जा रहा है, हमें पकड़ने की जरूरत भी नहीं है, बस उनको मैक्स आउट करो, लड़ाओ। अबे यार ये तो भाई वही मिला मुझे फिर से, ठीक है चलो कोई ना, कभी कभी होता है। ओ भाई ये क्या देख लिया मैंने, ठीक है इसके इससे देख लेते एक बार, इससे भी निकाल लेते हैं। अरे यार क्या क्या चीजें, लार्ज एक हमारे पास और एक पड़ा इलेक्ट्रिक वाला, प्लीज इससे बहुत तगड़ा वाला मिल जाए। और मिल गए, आप सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे हमारे पास कौन कौन से नए पैल्स आ चुके हैं, दिखा देता हूं मैं। तो सबसे पहला पैल हमारा आ चुका है, तो हम अटैक करने के लिए भी चलते हैं। तो देखो सबसे पहला पैल हमारा ये आ चुका है, ये देख सकते हो ये एक्चुअल में नाइट विंग जैसा ही दिख रहा है, सेम नाइट विंग जैसे दिख रहा है। उसके साथ साथ हमारे पास ये वाला है, कोई तो खतरनाक सा पैल आ चुका है। और ये क्या करता है, ये लैम्बरिंग लेवल 2 करता है, कूलिंग लेवल 3 करता है। ये और एक आ चुका है, ये पक्षी, और ये पक्षी अभी से 52 का डैमेज कर रहा है भाई। यार ये कैसा सही दिखता है। चलो और एक पोकेमोन हमारे पास आ चुका है, इससे पहले मैं आप लोगों को ये वाला पोकेमोन दिखा देता हूँ। तो ये वाला पोकेमोन हमारे पास आ चुका है, इसका मुंह तो मुझे पहले दिखाई नहीं दे रहा है। और ये ब्लैक पोकेमोन, डार्क पोकेमोन ही है ये, एक्चुअल में डार्क पोकेमोन है। एक मिनट मुझे शक्ल दिखा भाई तेरी, इसकी शक्ल मुझे दिखाई नहीं दे, ओ दिखाई दी बस एक ही आग दिखाई दी मुझे। बाकी हमारे पास आ चुका है खुद का एक मैमथ, सीरियसली बर्फ वाला मैमथ हमारे पास अवेलेबल हो चुका है। और अभी इन लोगों ने बहुत सारी नई नई चीजें भी सीख ली है, ऐसे नहीं कि यहाँ पर कोई भी छुट्टू मुट्टू हमें मार के इजिली चला जाएगा। अरे भाई हम अभी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, तो हमारे पास एक खुद का मैमथ भी आ चुका है, और बस हमें फाइट करने इससे, बट अभी नहीं कर सकते बिकॉज हम बाद में करेंगे यार। तो इतने सारे हमारे पास नए नए से पैल्स आ चुके हैं अब सिर्फ और सिर्फ अंडे से, तो मुझे इनको पहले लेवल अप करना पड़ेगा। एक बार इनको लेवल अप कर देना गाइस, क्या मजा आएगा फाइट करने में। बट अभी फिलहाल मैं इनको एज यहां पर छोड़ने वाला हूं, और ये अभी काम करेंगे, देख सकते हो भाई चिल्ला चिल्ला कर काम करते ये। ओके तो अभी हमारे पास जो है बहुत सारे नए नए से पैल्स भी आ चुके हैं, जैसे कि लाइक ये वाले पैल्स आ चुके हैं डम, बट ये एक्चुअली लेवल 2 के पोकेमॉन्स है और ये माइनिंग करते हैं स्पेशली। तो यहाँ पर हमारे पास और एक लेवल ऐड हो चुका है, तो अभी मैं एक काम करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ अटैक के ऊपर, बिकॉज मैंने अभी तक बहुत टाइम से अटैक के ऊपर नहीं लगाया है। और हमारे पास और एक नया सा और भी आ चुका है, और मैं आपसे लोगों को पहले दिखा देता हूँ उसको। तो यहाँ पर रख देते इसको, ये देखो यहाँ पर हमारे पास एक प्योर क्वार्ट्ज भी आ चुका है, जो कि सर्किट बोर्ड्स वगैरह बनाने के लिए काम आता है, क्रिएट सर्किट बोर्ड्स वगैरह, ये सर्किट बोर्ड्स वगैरह के लिए काम आएगा। तो आज हमें जो है ब्रीडिंग फार्म भी बनाना है, और ब्रीडिंग फार्म में कहाँ पर बनाऊ मुझे एक्चुअली नहीं पता है। एक काम करते पहले ब्रीडिंग फार्म देखते हैं, यहाँ पर कहाँ गया मेरा ब्रीडिंग फार्म, ये देखो। अरे यार ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है बे, इसको कहाँ पर रखूं मैं अभी, सीरियसली बहुत ज्यादा बड़ा है, मुझे शायद से अपना बेस शिफ्ट करना पड़ेगा बिकॉज ये लिटरली बहुत बड़ा है। और अभी मैं फिलहाल इसको कहाँ लगाऊं मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा है, वो यहाँ पर शायद से कहाँ पर तो लगा पा रहा था मैं, ये देखो यहाँ पर। और ये पैल जो है ना मुझे काम करने देते भाई सच में, इसको रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं लिटरली, ठीक है अभी के लिए मैंने यहाँ पर जो है जगह कर ली है, और मैंने इसको बीच में ही लगा दिया है, लिटरली मेरे पास जगह ही नहीं यार। ये देखो सबके सब अभी काम पे लग चुके हैं, और मैंने इसको बीच में बनाया, मुझे पता है मुझे शायद से अभी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नया सा बेस ढूंढना पड़ेगा, जो कि लिटरली बहुत बड़ा हो सके और दिखने में भी अच्छा लगे। तो वो इस तरीके से मुझे बेस ढूंढना पड़ेगा, और वहां पर मुझे अपना घर बनाना पड़ेगा। एक काम करते हैं यहाँ पर हम कुकिंग पॉट बना लेते, कुकिंग पॉट के लिए हमारे पास सारी रेसिपीज वगैरह अनलॉक है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है तो यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये भी फटाफट से बना लेंगे, आप सभी लोग देख सकते हो यहाँ पर हम जो है
दो पोकेमॉन्स की ब्रीडिंग करके एक नया सा ताकतवर पोकेमॉन बना सकते हैं, बट उसके लिए मुझे एक मेल और एक फीमेल चाहिए होता है जिससे हम अपने पैल्स को ब्रीडिंग करवा सके। तो ये हमारे पास लिटरली बहुत सारे पैल्स है। और एक सेकेंड, मेरे पास कुछ पैल्स है जो माइनिंग करते, तो मैं काम करता हूँ अपने दूसरी तरफ चलते हैं और इनको भी लगा देते काम पे। तो देखो हमारे पास अभी यहाँ पर सारी चीज़ अवेलेबल है, हमारे पास पैल्स बेड भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कोई दो पोकेमॉन्स को। तो दो पोकेमॉन्स का मतलब ये लेवल 2 का पोकेमॉन है, ये भी हमारे लिए ग्राइंड ही करेगा, ये भी ग्राइंड करेगा। तो ये दो पोकेमॉन्स हमारे लिए ओर्स को ग्राइंड करने वाले हैं। और हमें एक ऐसा पोकेमॉन चाहिए जो हमें ट्रांसपोर्टिंग करने में हेल्प करेगा। तो ये लेवल 3 का ट्रांसपोर्टिंग का है, तो ये लेवल डायरेक्टली, ये देखो भाई काम भी करने लग गया ये। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो है काम शुरू हो चुका है, हमारे पास ओर्स आने शुरू हो चुके हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर भाई ओर्स की भरमाट आ सकती है। ओके तो यहाँ से चलते हैं अभी, और हमें आज जो है दो बॉसेस को पकड़ने कोई किसी भी हालत में, तो उनकी तरफ चलते हैं। एक मिनट में अपना हालत देख लेता हूँ, पहले हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी है। तो एक काम करते हैं, पहले हम जाने वाले अपने बेस की तरफ, ये एक ऑफलाइन में काम करते रहेंगे और हमारे लिए ओर्स कलेक्ट करते रहने वाले। अरे यार ये कब तक भाई कितने पेड़ तोड़ दिए इसने ट्रांसपोर्टिंग, भाई क्या बड़ा सा है भाई ये, इनके लिए सीरियसली भाई इतने बड़े बड़े पैल्स हमारे पास आ चुके हैं कि इनके लिए मुझे नया सा बेस ढूंढना ही पड़ेगा जो कि बहुत बड़ा हो और हम सारे पैल्स को अच्छी तरीके से असेंबल भी कर पाए। तो इतना बड़ा हमारे पास जगह होनी चाहिए। तो मैंने सारी चीजें लगभग अपग्रेड कर दी है, अभी चलते हैं फटाफट से उस बॉस पोकेमॉन को पकड़ने के लिए। एक पोकेमॉन तो हमारे पास आ जाएगा कैसे भी तो करके, बस हमें और एक पोकेमॉन चाहिए होगा जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। उन दोनों की ब्रीडिंग करके हम एक तगड़ा सा पोकेमॉन बना सकते हैं। तो अभी चलते हैं देखते पहले, और अभी तो फिलहाल हम इसको निकालते हैं। आ जा भाई, अबे किधर जा रहा है, अबे क्या चल रहा है ये देखो किससे भिड़ रहा है यार, इनकी आदत नहीं जाने वाली। चलो कोई ना, अभी चलते हैं सीधे सीधे उस बॉस फाइट की तरफ, और यहाँ पर हमें निकलना है इसके अंदर। तो हमें इस बॉस को कौन से भी हालत में पकड़ना ही पकड़ना है, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल रॉबिन क्विक को निकालने वाला हूँ जो हमारी मदद करेगा इन लोगों को मारने में। मार, अरे यार रॉबिन क्विक ने मेरा एरो खा लिया भाई, बच गया। ओके ओके, तगड़ा डैमेज दे रहा है ये भी। चलो ये भी खत्म हो गया भाई, रॉबिन क्विक क्या खतरनाक डैमेज दे रहा है भाई। रॉबिन आ जा तू, चलो इसको नॉर्मल इसके अंदर पकड़ने की कोशिश कर दे, ये वैसे भी आ सकता है। नहीं भाई नहीं आएगा ये थोड़ा सा जिद्दी है, थोड़ा सा हट्टी कट्टी है, बट ये आ जाएगा। चलो ये आ गया गाइस, हमारे पास एक बॉस पोकेमॉन फिर से आ चुका है। इसको पकड़ना बहुत ज्यादा इजी था लिटरली, बस मुझे रॉबिन क्विक को छोड़ना था इसकी जगह पे। चलो अभी निकलते हैं यहाँ से, और अभी हमें जाना है और एक बॉस फाइट की तरफ जिस जगह को अभी तक हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया है। तो उस जगह को हमें जाना है, और इसके लिए हमें शायद से पहले एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो अभी हमें जो है इस साइड में जाना है, बिकॉज हमें नए से जो पैल चाहिए, जो पोकेमॉन चाहिए तगड़ा वाला, वो इस साइड में हमें मिल सकता है, बट यहाँ पर रात के पोकेमॉन्स भी हमें मिल सकते हैं। तो हमें यार आग खोल कर देख कर घूमना पड़ेगा, देखना पड़ेगा यहाँ पर कोई भी नया सा पोकेमॉन भी स्पॉन हो सकता है। तो हम जो अभी फिलहाल जा रहे हैं नए से आइलैंड के अंदर, और वो आइलैंड थोड़ा बहुत जो डेंजरस हो सकता है अगर हम इसको डेंजरस माने तो। ओके शायद से हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर लिटरली क्या है भाई समझ नहीं आ रहा है, बट खतरनाक से दिखाई दे रही चीज है। और नहीं ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जाने के लिए मना किया जा रहा है बिकॉज यहाँ पर बॉस पोकेमॉन से 20-20 लेवल के एक्चुअली है, बट इतने भी बड़े नहीं है, बट ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा हॉरर दिखा रहा है। पता ये क्या चीज है, ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है यहाँ पर तो भाई फ्लावर्स ही फ्लावर्स है, और ये क्या है, ये क्या चीज है, ये मारेंगे तुम लोग मुझे मारोगे। ओए यहाँ पर सारे के सारे बॉस है गाइस, सीरियसली ये सबके सब बॉस है। और एक सेकेंड में किस जगह पे हूँ, ये देखो ये भी बॉस है, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले पकड़ा ना वही बॉस, बस इसकी लेवल जो 20 लेवल है, और ये शायद से फीमेल मेल ही है। ओ भाई अच्छा वो पकड़ लिया मैंने, मतलब पकड़ा नहीं अभी तक, ये पकड़ में आएगा। अरे नहीं 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 भाई क्या तगड़ा मारा इसने, हालत खराब कर दी भाई मेरी। अरे आ जाना यार तू, क्या फालतू में क्यों आ रहा भाई। एक बॉस में और पकड़ने वाला हूँ, मतलब वही बॉस है ये, बट थोड़ा बहुत अलग है, चांसेस बहुत कम होते इसके। चलो आ गया, हाँ पर अलग अलग टाइप के बॉसेस है ये एक्चुअली। देखो यहाँ पर भी एक बॉस है,
जो कि 22 लेवल का है, यहाँ पर हम कर रख सकते वैसे, जब इसको मार सकते हैं, ऐसे कोई नहीं कि हम मार नहीं सकते, देखो हम मार सकते हैं इसको, ऐसे नहीं कि मार नहीं सकते, इवन इसको पकड़ भी सकते हैं। ओ रे भाई, नहीं 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 बस हो गया, नहीं ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया था, बट इसकी लेवल जो है बहुत कम हो चुकी है अभी। अरे यार ये डैमेज करी जा रही भाई, जा जा। अरे क्यों 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 तमाशे करते हो तुम लोग? अरे भाई बलून बबल, ये बबल्स बहुत खतरनाक होते हैं। चलो आ गया, क्यों क्यों बॉल्स वेस्ट कर रहा हूँ मैं, आ जा भाई चलो बहुत। अरे यार कैसे, मैंने कुछ किया भी नहीं भाई इनको, अपने आप ही वांटेड कर लिए इन लोगों ने मुझे। ठीक है ये जगह शायद से हम जैसे लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, इन लोगों ने डायरेक्टली वांटेड कर दिया मुझे। ओ ये वाला कोई एथराइड डियर टेरा, ये कुछ अलग से चीज दिखी मुझे यहाँ पर, ये भी पीछे पड़े ना यार। यहाँ पर कुछ भी नहीं क्या ऐसा जिससे मैं इनसे दूर हट सकूं? एक को मार दिया तो भाई दूसरे स्पॉन होते जाएंगे ये। ओहो मार तो तगड़ा रहा है, ऐसे नहीं कि मार नहीं रहा है। क्या इसको पकड़ सकते हैं? यस पकड़ सकते हैं। ओ ये इसने कब सीखा, शिट। अरे मम्मी जी, ओ भाई ओके ऐसे ही मारते इसको, एक बॉम्बे मार के देखते हैं मेरी लेवल। ओ भाई यार इसने कब सीखा ये, मेरी थोड़ी बहुत जो हेल्थ कम हो चुकी है, थोड़ा सा हेल्थ बढ़ाते हैं उसके बाद मारेंगे इसको, इस डियर को कैप्चर करके रहेंगे आज। अरे भाई दे दिया रे इसने, अरे यार ठीक है ये बहुत मारे जा रहे हैं अभी, चलो आ जाए बस। अरे नहीं आई, रुक 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 वहां पर ही रुक, वहां पर ही रुक। अरे यार वहां पर बॉल ही नहीं जा रही भाई, और ये बहुत बुरा मार रहे अभी भाई, डैमेज पड़ रहा है मुझे। अरे यार आ जाना यार, गोल्डन डियर से भाई ये। अरे यार भाई बहुत बुरा मार रहे यार ये, आ जा पकड़ में। अरे कितना नखरा करेगी यार ये, वाह कहाँ गए भाई ये, मर गए क्या? वाह खुद का खात्मा कर दिया भाई इसने, यार हट, चलो यार निकलते हैं यहाँ से। ठीक है तो मुझे ये तो जगह पता चल चुकी है कि यहाँ पर एक बॉसेस मिलते हैं डायरेक्टली, तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मुझे वो जो कल मैंने फाइट करी थी ना इलेक्ट्रिक वाला बॉस, अगर वो मुझे मिल गया ना भाई कसम से उसको पकड़ लूंगा मैं। पानी के अंदर क्यों स्पॉन हो रहे भाई ये, पानी के अंदर भी स्पॉन हो जा रहे। चलो अब जो मैं जगह पे जा रहा हूँ वो एक्चुअली बहुत डेंजरस जगह है, वहां पर 30 लेवल प्लस जो पोकेमॉन्स होते हैं और वो निंजा टाइप है, ह्यूमन से एक प्रकार के, बट वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हम जैसे भी लोगों को बहुत डेंजरस डैमेज देते वो। और ये फिर से पानी के अंदर स्पॉन हुआ ये, अरे यार भाई इन लोगों ने तमाशा कर रखा है भाई, एक बार मार दो भाई मार दो बस हो गया मेरा काम, आ जा अंदर में मार दे, आ जा चल ये निकाल देता हूँ डायरेक्टली मरूंगा फिर, चल आ जा। अबे यार एक निशाने लगते नहीं भाई तुम लोगों के, मार ना हो गई। भाई इसके लिए भाई कब से पीछे पड़े थे मेरे, लिटरली भाई तंग मतलब परेशान करके रख दिया था इन लोगों ने। चल अभी हम काम करते हैं, सीधे सीधे घर की तरफ टेलीपोर्ट होते हैं, और अभी हमारे पास कोई वैसे भी कोई टेंशन नहीं है, हमने सारी चीजें अच्छे तरीके से रखी वहां पर। अरे भाई क्यों चिल्ला रहा है इतना, चलो इस जगह पे चलते हैं और फटाफट से अपनी चीजें उठा लेते हैं। अभी फाइनली अपना बैग मिल चुका है, निकाल लेते हैं भाई। देखो हमारी सारी चीजें वैसे की वैसी है, और एक मिनट ये ट्रेनिंग मैनुअल कब से मिलने लग गई इसके अंदर, ये क्या है, ये नई नई से चीजें क्यों मिल रही लग गई यहाँ पर? मैंने बोला ना जब से यहाँ पर नया अपडेट आ चुका है ना तब से ना भाई यहाँ पर बहुत सारी नई नई चीजें ऐड हो गई है। अरे 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 भाई 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 यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते, गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। एक काम करते हैं, अभी हम इस जगह पे तो जा नहीं सकते, तो अभी हम दूर दूर से ही चलेंगे, बिकॉज अभी यहाँ पर अगर मैं गया तो मेरी निकल आने की चांसेस जो है बहुत कम हो सकती है, तो मुझे शायद से यहाँ पर आने के लिए हीट रेजिस्टेंस समथिंग कुछ चाहिए होगा जिससे मैं यहाँ पर बच सकूं। ठीक है यहाँ पर मुझे एक विलेज मिल चुका है, और क्या अगर मैं इस विलेज से, यहाँ पर स्पॉन पॉइंट है क्या, अगर एक यह मिल गया ना मुझे एक स्पॉन पॉइंट मतलब फास्ट ट्रेवल पॉइंट तो मेरा काम बन जाएगा, स्पेशली वहां पर है फास्ट ट्रेवल पॉइंट। एक काम करते हैं, एक हीट रेजिस्टेंस सूट बना के लेके आता हूँ मैं। चलो मैंने यहाँ पर तो अनलॉक कर लिया है, अभी फटाफट से घर की तरफ चलते हैं और एक हीट रेजिस्टेंस सूट बना के लेके आते हैं, पैल ऐसा कुछ नाम होता है उसका। तो यहाँ पर मैंने कुछ देखा था हीट रेजिस्टेंस, इसके लिए मुझे इनगट चाहिए। व्हाट 80? भाई कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा है ये, 80 इनगट्स? अरे यार ये बहुत महंगा है भाई। एक सेकेंड, क्या हमारे वो नए से बेस के अंदर उन लोगों ने इतने आयरन कलेक्ट करे हैं जो हम डायरेक्टली आ सकते हैं? कितने आयरन कलेक्ट है? ओबे 130। ओ भाई इन लोगों ने तो पूरा सपाचट कर दिया भाई, ये देखो यहाँ पर कर रहा है अभी फिर से। चलो ये लोग तो भाई बहुत तगड़ी तरीके से काम कर रहे हैं, और अभी हम इसको स्मेल करने के लिए लगा देते,
तो यहाँ पर, अरे यार मैंने यहाँ पर बॉक्स नहीं लगाया है, एक गलती कर दी मैंने, यहाँ पर बॉक्स नहीं लगाया, यहाँ पर मुझे एक चेस लगा देनी चाहिए। एक सेकेंड, मैं क्या यहाँ पर चेस लगा सकता हूँ? पास में एक चेस लगा देती इसके, बनाओ इसको फटाफट से, आ जाओ गाइस, आ जाओ फटाफट से इसको बनाओ। बहुत बढ़िया, सबको पेड़ मिलेंगे। अभी हमारे पास जो है बहुत सारे आयरन्स आ चुके हैं, हमारा काम, आइडिया काम आ गया लिटरली। चलो अब एक काम करते हैं, इसके अंदर हम कितने बना सकते हैं टोटल? 66 बना सकते हैं। तो एक काम करते हैं, 33 लगा देता हूँ मैं, 36 यहाँ पर लगा, अरे 36 यहाँ पर लगा देते हैं, 33 प्रोसीड कर देते हैं, और यहाँ पर लगा देते हैं पूरे 30। अभी जो ये देखते हैं, इन दोनों में से सबसे ताकतवर कौन है? सीरियसली भाई, ये देख रहे हो कितनी फास्टली ये कर रहा है? वाह भाई, देख रहे हो कितनी स्पीड इसकी, लिटरली इतनी जल्दी स्मेल्ट कर रहा है भाई, लेवल 3 एक्चुअली ये, इसकी वजह से। और एक सेकेंड, मेरा लेवल भी कुछ बढ़ चुका है, थोड़ी सी चीजें बाय करने गया ब्रो हमारे। बट तू चीजें सेल नहीं करता ना, जो चीजें चाहिए वो मिलती नहीं इसके पास। ओके, बट यहाँ पर हमें मिल्क मिल रहा है, मिल्क ले लेते हैं, बिकॉज मिल्क की जरूरत है हमें। शायद से 20 काफी हो जाएंगे, बस इसके लिए 1000 पे करना पड़ेगा मुझे। ये भी, यहाँ पर भी हमें 20 चाहिए होंगे। अंडे बाय कर लेते हैं, इनको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, जिससे कि इनकी हेल्थ थोड़ी सी कम हो जाए, बाकी ज्यादा कम ना हो। और हम बना सकते हैं, और यस, और एक बना सकते हैं, मे भी इसका काम हो गया अभी। तो हमारे पास क्लोथ भी आ चुके हैं, बस फ्लेम ऑर्गन चाहिए, और फ्लेम ऑर्गन मुझे पता है कहाँ मिलेगा, तो हमें इसके पास आना था। ये हमें सेल करेगा ऑर्गन्स, वैसे हम डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं, बट कोई ना, फ्लेम ऑर्गन। तो एक काम करते हैं, थोड़े बहुत जो फ्लेम ऑर्गन ले लेते हैं, लगभग 15 ले ले, या चलो 2000 के ले ही लेता हूँ मैं, अब इतना क्या कंजूस को बनना करने का। और चलते फटाफट से अपना आर्मर बनाते हैं, हमारे पास सारी चीजें आ चुकी है। हीट रेजिस्टेंस आर्मर बना लेंगे तो हमारे पास वो बॉस पकड़ने के लिए सारी चीजें आ जाएगी। मेटल आर्मर है एक्चुअली ये, इसकी वजह से ये ज्यादा महंगा है भाई, इसको बनाने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, ऑफ कोर्स ज्यादा टाइम लगेगा इसके लिए। मिलता होगा इस आप सभी लोगों को 2 साल के बाद। हीट रेजिस्टेंस मेटल आर्मर रेडी हो चुका है। वैसे यार इसको बनाने की वैसे भी जरूरत नहीं थी यार, ये बहुत ज्यादा गर्मी दे देगा, ठंडी दे देगा सॉरी, बट यार ये क्या सही दिख रहा है, ये मेटल का एक्चुअली। ठीक है चलो, अभी फटाफट से चलते उस जगह पे, चलो निकालते अपने पैल को और मुझे लेके चल भाई। ओए पगलेट, अकेला अकेला कहाँ जा रहा है? 35 35 लेवल्स के तो है यहाँ पर, बट मुझे जो पैल चाहिए वो ये नहीं है। देखना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत सारे पैल्स है, और अभी मैं इनसे लड़ भी नहीं सकता हूँ, बिकॉज मेरी लेवल उतनी है ही नहीं। पकड़ भी सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बट यार ये बहुत ज्यादा हार्ड होगा, और ये सब अग्रेसिव है, अगर इन लोगों ने मुझे देख भी लिया ना तो ये मेरी हालत खराब कर सकते हैं। वो देखो 35 लेवल का, वहां पर एक अंडा भी यूज वाला, ओ यस यही चाहिए, बुशी, बुशी नाम है इसका, मतलब मेरे नाम से है, भूषण के नाम से, बस ये बुशी चाहिए था ये भाई। अरे यार ये भी ना इस तरह पे ले सकता हूँ इसको, पड़ी मैं उसको आने तो दे। ओबे ओबे टेलीपोर्ट करता है ये, ओरे भाई अबे ये तो बहुत इजी मर रहा है, पर ये कहाँ जा रहा है? सामने आना, वो इसको डैमेज देखो गाइस, अलग अलग इसको पानी के अंदर लेके जा तू, ये मेरी तरफ आएगा, ये मुझे पता था ये टेलीपोर्ट मारेगा। ओके शिट, इसके तलवार से आग भी निकलती है, ये भी अब भी पता चला ये टेलीपोर्ट मारेगा, मुझे लग ही रहा था टेलीपोर्ट मारेगा ये। अबे इन जैसे पोकेमोन को तो इजीली पकड़ सकता हूँ मैं, 35 लेवल तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने। ओके ये अभी भी मेरे पीछे ही पड़ा है, ये टेलीपोर्ट मारेगा, बच गया फिर से अगेन। ओ भाई खतरनाक सा मार रहा है ये, देख रहे हो क्या खतरनाक सा उड़ा उड़ा के मार रहा है ये, ये फिर से अटैक करने वाला है। अरे नहीं यार इस बार नहीं बचा, ट्राई करते मैं भी शायद से नहीं आ सकता इस बॉल में, मेरे पास ज्यादा बॉल नहीं ब्रो, तो ज्यादा नखरे मत कर, लिटरली मेरे पास सीरियसली बॉल्स नहीं है, ये तैयारी कर रहा है मुझे मारने की, प्लीज आ जा प्लीज प्लीज, लास्ट बॉल है मेरी ये। यस फाइनली लास्ट बॉल के अंदर आ गया ये, ओ भाई इसको पकड़ना क्या ही मुश्किल था, इसको भी मार। ओबे यार ये बलून छोड़ते बे, वैसे मैं बहुत अच्छी जगह पे छुपा हूँ, बट ये मार खा रहा है, और अरे बलून, अरे कैसे 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 भाई ये इसके पीछे कैसे आ गए, उसको मारना तू। आज की वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आया, चलो अभी चलते सीधे घर और करते इनको ब्रीड। चलो मैं आप सभी लोगों को पहले दिखा देता हूँ आप सभी लोगों को हमारे नए पोकेमॉन्स। तो नए पोकेमॉन में से हमारे पास और नए नए से पोकेमॉन्स आ चुके हैं, जो कि मैंने अभी तक आप सभी लोगों को दिखाए नहीं है। तो देखो आप सभी लोगों ने ये वाला पोकेमॉन तो नहीं देखा है, तो ये वाला पोकेमॉन हमारे पास आ चुका है, शायद से ये लॉजिंग करता है, यस डेफिनेटली। और ये वाला पोकेमॉन भी हमारे पास आ चुका है, ये सही दिखते है भाई ये क्या यार। और ये वाला पोकेमॉन एक्चुअली बुशी है, और ये बुशी लिटरली बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसके लेवल भी कम हो चुके हैं। तो चलो
अभी हम इनकी ब्रीडिंग करवाते हैं। ये बुशी एक्चुअली तो हमारे पास दो टाइप के दो पोकेमॉन्स आ चुके हैं, इनसे हमें मिलने वाला है बहुत तगड़ा वाला पोकेमॉन। तो इनको मैं यहाँ से लिफ्ट करवाता हूँ, आजा तुझे लिफ्ट करवा देता हूँ मैं, और इनको मैं करने वाला हूँ असाइन ब्रीडिंग के लिए। तो एक यहाँ पर जाएगा और दूसरा हम इसको लेके, हाँ तू ज़्यादा खुश मत हो, चल आ जा। तो इसको मैं लेके जाने वाला हूँ ब्रीड करने के लिए। ये दोनों जो जाएंगे ब्रीड करेंगे, और ये दोनों असाइन हो चुके ब्रीडिंग के लिए पैल्स। तो यहाँ पर हो चुका है, बस हमें इसके लिए केक चाहिए होता है। और ये केक बनता कैसे, मैंने अभी तक केक देखा नहीं है, बनता कैसे? केक को बनाने के लिए हमारे पास हनी नहीं है, ठीक है, हनी और फ्लोर चाहिए बस, इससे हमारा केक बन जाएगा। मुझे पता है हनी कैसे बनेगा, फ्लोर बन जाएगा। फ्लोर हमारे पास शायद से बहुत सारा पड़ा है। चलो इनकी ब्रीडिंग होने देते हैं, इनके लिए टाइम लगता है, बट यहाँ पर हम फ्लोर भी बना सकते हैं। फ्लोर को लगा देते, हमारे पास कितने बनेंगे फ्लोर, अबे 26 बन जाएंगे, लॉल। ठीक है चल, कोई तो आ जा पानी मारने के लिए। तो एक ये ड्रैगन को बुला लेते हैं, ये जाएगा। अरे वहां पर नहीं पगलेट, वहां पर नहीं जाना है तुझे। अरे यार ये दिमाग, तू यहाँ पर आ जा, मुझे वीट की बहुत ज्यादा जरूरत है, सॉरी मील की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो फटाफट से जा तू और यहाँ से मुझे आटा दे दे, यहाँ पर असाइन हो, और पानी दे यहाँ पर। तब तक मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मुझे हनी चाहिए, हनी मतलब सिर्फ हनी चाहिए या फिर और मील चाहिए था, यहाँ क्या चाहिए था, मील चाहिए था, हनी चाहिए था, हनी और फ्लोर चाहिए, बस दोनों चीज़ें चाहिए। बाकी सारी चीज़ें मेरे पास आ चुकी है, एक हनी हमारे पास आ चुकी है। ओरे भाई, ओरे भाई, ओरे भाई, हमारे नाइटविंग मर गया, जा एक को निपटा दिया मैंने, चलो बहुत बढ़िया, इसको भी निपटा देते, चलो आए तो लगे हाथ इसको भी निपटा देते हैं, चल भाई बहुत बढ़िया। ओ ये पकड़ना हमें, ये पकड़ना हमें, आ जा भैया, बॉस है, शिट मैंने बॉस से रॉबिन को ही बचा, रॉबिन को ही बचा मुझे। ओरे भाई ये तो आँख की चीजें से फेंक रहा है, मर जा। रॉबिन कोई पागल हो गया है, रॉबिन कोई से पंगा, कोई किससे पंगा ले रहा है रॉबिन कोई। अबे पगलेट आदमी कहाँ जा रहा है तू, दिखाई नहीं दे रहा, शायद से आप पकड़ सकते हैं। तू आ जा रॉबिन, तू फालतू में पंगे ले रहा है यार, ये मारे जा रहा है खतरनाक सा, आ जाए बस। ये तगड़ा वाला पोकेमॉन दिख चुका है मुझे, आ जा यार, ये कितने सारे आ गए, शिट भाई इनसे भी लड़ना पड़ेगा अभी, आ जाना भाई। वो आ गया, आ गया, आ गया, निकलते यहाँ से भाई, यार दिमाग खराब, क्या क्या कौन कौन आ गया यहाँ पर मारने के लिए मुझे। भाई 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 निकलते यहाँ से, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और आपसे लोग तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। चलो मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मेरे पास वो पोकेमॉन आ चुका है, मतलब पैल आ चुका है, निकलते यहाँ से, और मेरे पास हनी भी आ चुका है। ये ना ये दिमाग खराब, इनको कभी ना कभी मार दूंगा मैं। चलो हमारे पास सारी चीज़ें आ गई है, इवन हमारे पास और एक नया सा पैल आ चुका है, अब सुबह होते देखेंगे इसको, बट इसकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा, माइनर इंजरी है, ठीक है चलो कोई ना, इसको देखेंगे। ओके तो फटाफट से अभी मैं काम करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ। अबे फ्लोर नहीं बना, अच्छा मैंने फ्लोर कलेक्ट किया नहीं अभी तक, तो अभी इसको लगाते हैं, और मुझे पता है इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं काम करने वाला हूँ, यहाँ पर वो उड़ने वाला पक्षी मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ, ये वाला, तो ये हमारे लिए पका के देगा वो। भाई चिल्ला मत, सब सोए हुए हैं, जा और यहाँ पर मेरे लिए ये केक बना। ये केक बनाने में लिटरली बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आप सब लोग देख सकते हो, ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है, और ये जो है स्मेल्टिंग इतनी जल्दी करता है ना मेटल्स वगैरह की, बट इस केक को बनाने में इसको इतना टाइम लग रहा है, तो आप सभी लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा टाइम लगेगा इसको, कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो अब एक काम करते हैं, थोड़ी देर इसको होने देते हैं, और आप सभी लोगों से मिलता हूँ केक होने के बाद। उसके बाद मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा हमारे पास कौन सा पैल आएगा। सो मैं दिखाना भूल गया, ये देखो यहाँ पर केक बन रहा है, और हमारा बंदा बना रहा है चिकन तंगड़ी, शायद से केक बन गया, ये भाई बहुत खतरनाक सा है। ठीक है चलो हमारे पास केक बन चुका है, और अभी हम इसके अंदर जैसे ही केक डालेंगे, ये देखो ये जैसे हम केक डालेंगे गायब हो जाएगा केक, यस गायब हो गया, और हमारे पास अंडा आ जाएगा। सी हमारे पास एक ह्यूज एक आ चुका है, और मे भी शायद से मुझे ये निकाल कर सीधे यहाँ पर लगा देना चाहिए। चलो अभी मैं आपसे लोगों को दिखाने वाला हूँ यहाँ पर जो हमारे पास बहुत सारे एक से, और ये वाला अंडा हम लास्ट में ओपन करने वाले। चलो यहाँ पर पहले स्कॉर्चिंग एज एक को निकाल लेते, अंडे से ही हमें बहुत सारे, और भी ये और एक नया सा प्यारा सा क्यूट सा पैल आ चुका है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर और एक इससे हमें मिला है, ओके ये हमारे पास ऑलरेडी है,
स्कॉर्चिंग एग फिर से हमारे पास ऑलरेडी एक आ चुका है, इससे हमें एक नया पक्षी मिल चुका है, वाइन वाइन समथिंग उसका नाम है। चलो अभी समय की घड़ी, अब हमारे पास जो हमने ब्रीड किया उससे हमें मिल चुका है एनिबस, और ये एनिबस लिटरली बहुत ज्यादा ताकतवर है। एक्चुअली ये गॉड है इस पैल वर्ल्ड का, ये देख सकते हो इसका स्टैचू यहाँ पर भी है, तो ये एक्चुअली गॉड है, बट आप सभी लोगों को इसकी ताकत पता नहीं है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर छोड़ू ऐसे ही तो ये भगा भगा चला जाता, देखो भाई देखो भाई, और ये तोड़ता है, क्या बोलते हैं, स्टोन तोड़ता है। और इसकी चीजें दिखा दो, अरे चीजें यहाँ पर नहीं दिखेगी, यहाँ पर दिखेगी चीजें। तो देखो अगर मैं इसके डिटेल्स चेक करूँ तो ये माइनिंग लेवल 3 का है, हैंडीवर्क 4 है। तो हम इसको एक काम करते हैं, हमें ना इसको इसकी जगह में कौन सा डालो, ये डाल दो क्या, कौन सा डालू इनके इसके जगह, ये डाल देते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर, अरे आ जा अंदर, एनिबस को मैं अपने वो वाले बेस के अंदर डालूंगा जहां पर हमारे ओर्स बन रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम एक नया सा बेस ढूंढेंगे जहां पर हमारे पास और भी चीजें आ सके। तो एक काम करते हैं, एनिबस को मैं यहाँ पर ड्रॉप करने वाला हूँ जिससे कि इसकी लेवल भी यहाँ पर बढ़ती रहे और हमारे पास चीजें भी इसके अंदर आती रहे। तो देखो यहाँ पर जो है ये माइनिंग करना शुरू कर देते हैं और हमारे पास अभी फिलहाल 32 ओर्स आ चुके हैं। बाकी यहाँ पर रेस्टिंग के लिए चल रहा है शॉर्ट ब्रेक। अबे यार इतना रेस्ट करते तुम लोग। चलो यहाँ पर भी एक बेड लगा ही देता हूँ मैं, यहाँ पर एक लगा देते हैं। ओह इसकी इसकी स्पीड देख रहे हो। चलो हमारे पास अभी फिलहाल जो है एक बेस ऐसा तो है एटलीस्ट कि वहां पर हमारे लिए ओर्स ग्राइंड किए जा रहे स्पेशली। अभी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम ऐसा बेस बनाने वाले जहां पर एक खुली सी जगह हो और मौसम भी अच्छा हो और हमारा बेस भी इंक्रीज करेंगे हम, वहां पर खुली जगह रहेगी। एक तो हमारे पैल इतने बड़े बड़े आ चुके हैं ना क्या ही बताएं। चलो अभी चलते हैं फटाफट से अपने पुराने बेस की तरफ जहां पर हमारे सारे पैल्स वर्क कर रहे हैं। हमारे पास है ना इतने सारे पैल्स आ चुके क्या ही बताएं। और एक क्या, अबे इन लोगों ने क्या कर दिया यहाँ पर, अरे यार इन लोगों ने तो पूरा भर ही दिया भाई, इतना भी नहीं चाहिए था यार। आज के लिए इतना ही, और हाँ गाइस आज के एपिसोड के अंदर हमने लिटरली बहुत सारी चीजें करी है, एक्सप्लोर के साथ साथ बहुत सारे नए नए पोकेमॉन्स भी मतलब पैल्स भी पकड़े और बॉस पोकेमॉन्स तो भाई लिटरली बहुत ज्यादा पकड़े हमने आज। आज के एपिसोड के अंदर हमारे दो टारगेट्स थे, एक तो ब्रीडिंग फार्म और उसके साथ साथ माइनिंग के लिए पैल्स ढूंढना, वो दोनों चीजें हो चुकी है और उन पोकेमॉन्स को मैंने काम पे भी लगा दिया है। अगर आप सभी लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।